यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर कोसली से है, जहां पर हरियाणा की खेल नीति पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। ये बड़ी खबर कोसली से, हरियाणा की खेल नीति पर फिर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही यहां पर कबड्डी खिलाड़ी प्रिया ने इस बार सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि कबड्डी खिलाड़ी प्रिया ने 2015 में तमिलनाडु में सिल्वर जीता था और साथ ही सरकार ने उस वक्त 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की थी, लेकिन घोषणा के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई इनाम की राशि नहीं दी है, जिसके कारण इस खिलाड़ी को अब खेल से अलविदा कहना पड़ रहा है। और साथ ही अब खेल से अलविदा करेंगी प्रिया, क्योंकि सरकार की खेल नीति पर एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार ने 2015 में जब 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, तो उसके बाद भी अभी तक 3 साल बीतने के बाद भी अभी तक सरकार की ओर से कोई इनामी राशि यहां पर खिलाड़ी को नहीं दी गई है, जिसके कारण अब खिलाड़ी की तरफ से खेल से अलविदा करने की बात कही जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कबड्डी खिलाड़ी प्रिया फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका प्रिया। प्रिया आवाज मिल रही है आपको? यस मैम जी। प्रिया, 2 लाख रुपए देने की घोषणा 2015 में सरकार की तरफ से की गई थी, क्या कुछ वजह जो है आपको बताई जाती है, क्यों इनाम की राशि नहीं दी जा रही? जो मतलब हमारे माननीय खेल मंत्री अनिल विज की थी ना, उसके उसको उस राशि का मेरे अकाउंट में ना आने का कारण, मतलब हमारे जो रेवाड़ी के डीएसओ सर थे वो एक ही बताते कि इनाम राशि के लिए चेक लिख के भेजा था ना जी, वो उसने रिटर्न में हो गई थी, उस मिस्टेक के हमारा सिक्स आना था, इस वजह से पैसे रह गए थे जी। प्रिया आवाज आ रही है आपको? चलिए, नेटवर्क का एरर आ रहा है। बहुत शुक्रिया प्रिया जुड़ने के लिए, और बात जो है वो प्रिया से नहीं हो पाई है, नेटवर्क की समस्या आ रही है। आपको बता दें कि 2015 में तमिलनाडु में सिल्वर जीता था, और वीरेंद्र पठानिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या वजह बताई जाती है, क्यों प्रिया को इनामी राशि नहीं दी गई अब तक? जी आइंदिका, मैं आपको बता दूं कि ये सरासर लापरवाही है, खेल विभाग की लापरवाही है। और जहाँ तक अपनी हरियाणा सरकार जो कहती है हम खिलाड़ियों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सम्मान दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर बात करें हम प्रिया की, जिसने जो है तमिलनाडु में 2015 में सिल्वर मेडल लिया था और नेशनल लेवल पर सेकेंड जो पोजिशन की थी, लेकिन उसके बावजूद प्रिया को 2 लाख रुपये आज तक नहीं मिले। उसके बावजूद गुरुग्राम में जो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी थे और जो अपने खेल मंत्री अनिल विज जी थे, उन्होंने भी वहां पर प्रिया को सम्मानित किया था। आपको रोकना चाहूंगा, यहां पर हमारे साथ सुकन्या खेल अधिकारी फोन लाइन पर जुड़ गई है। स्वागत है आपका सुकन्या जी, खबरें अभी तक पर। सुकन्या जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी। सुकन्या जी, कबड्डी खिलाड़ी है प्रिया, जिनको 3 साल पहले जो है 2015 में सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी, कहाँ समस्या आ रही है अभी तक? कोई समस्या नहीं है मैम, ये सब क्लियर हो गया है। इनका हमने खाता नंबर भेज दिया, डिपार्टमेंट से मांग लिया था, अब इनको मिल जाएंगे 2-4 दिन में पैसे। 2-4 दिन में मिल जाएंगे, मतलब सुनने में आ रहा है मिल जाएंगे पैसे, क्योंकि मैंने ऊपर बात की थी तो उन्होंने खाता नंबर दोबारा से चेक कर लिया है, मंगवा चुका है। ये प्रिया ही अकेली नहीं है, हमारे हरियाणा के बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चे सुकन्या जी? और साथ ही कितना समय लगता है खिलाड़ियों तक उनकी खेल राशि पहुँचने में, इनामी राशि पहुँचने में? नहीं ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन कोई मिस्टेक हो हुई है उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, लेकिन इनको तुरंत मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुरंत नहीं मिला, 3 साल हो गए सुकन्या जी। अब इनको हमने, अब हमने पता क्या किया है, रिमाइंडर भी भिजवा दिया, लेटर भी भेज दिया, ऊपर तो देंगे ना। नहीं जब ऐसे नहीं है, बहुत सारे नहीं, आपकी जानकारी में सुकन्या जी, आपकी जानकारी में भी होगा, अगर ऊपर से समस्या आ रही है तो क्या समस्या आ रही है, क्यों जो है 3 साल से खिलाड़ियों की इनामी राशि रुकी हुई है? आपने कहा कि और भी खिलाड़ी हैं, तो और भी खिलाड़ी इसी तरह से परेशान है जैसे प्रिया परेशान है? सुनो मैम, मैंने यहाँ 4 महीने से ज्वाइन किया रेवाड़ी में, और ये है इनका पुराना 3 साल पुराना, लेकिन जिस दिन मैं रेवाड़ी में आई हूँ मैंने उसी दिन से इसकी कार्रवाई शुरू करवा दी है, क्योंकि पिछला मुझे नहीं पता इनको क्यों नहीं मिला, किस कारण नहीं मिला, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 4 महीने से रेवाड़ी में आई हूँ, जिस दिन से मैं आई हूँ उसी दिन से मैं इनके कागज हमारे साथ प्रिया भी फोन लाइन पे जुड़ी हुई। प्रिया, आपको क्या कहा जाता है, हर बार क्या आश्वासन दिया जाता है, क्यों अब तक इनामी राशि नहीं दी गई? लगाओ
माफ कीजिए प्रिया, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। सही सुकन्या जी, अब कितने दिन का आप आश्वासन देती हैं कि प्रिया को कितने दिन में उनकी इनाम की राशि मिल जाएगी? क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट में कल ही परसों ही खाता नंबर इसका दोबारा चेक करने के लिए मांगा है, मैंने उसको ऊपर दे दिया, इसके खाता नंबर दे चुकी हूँ मैं ऊपर। अब इसको मिलेगा ये मैं कैसे बता सकती हूँ कितने दिन में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। आपको, आपके पास जानकारी होगी कि कितने समय में जो है हम ये क्लियर करा देंगे? और भी खिलाड़ी ऐसे ही है, जो लिस्ट आपके पास जरूर होगी कि खिलाड़ी कितने हैं और कितने सालों से परेशान है। ये जब तीन साल से इनको नहीं मिला था तो ये अभी इन्होंने ये मुद्दा क्यों उठाया, पहले क्यों नहीं उठाया जब मेरे से पहले बहुत सारे डीएम? यानी अभी उठाया तो अभी भी नहीं उठाना चाहिए था, ये आप कहना चाहती हैं? नहीं नहीं, उठाना चाहिए था, इसका हक है खेलने का, खिलाड़ी का हक होता है उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ। हाँ जी, नहीं आप खिलाड़ियों की तरफ से क्योंकि आवाज उठाई जा रही है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि खिलाड़ियों का जो राशि है वो उन तक पहुंचे सही समय पर। पहुंचनी चाहिए मैम, मैंने आते ही इसके लिए लेटर, स्पेशल लेटर लिखवाया है, मैंने रिमाइंडर भी भिजवाया है ऊपर, अपने हेड ऑफिस में बात भी की है बाबू से इस बारे में। बाबू ने मेरे को ये कहा है, मैडम हमने सभी की लिस्ट बना के ऊपर भेज रखी है, जिस दिन भी वो आ जाएगी परमिशन होकर उस दिन उनको पैसा मिल जाएगा। बार बार मैं खुद फोन पर बात करती रही हूँ, मेरे बाबू ऊपर बाबुओं से फोन पर वार्तालाप करते रहे हैं। जी सुकन्या जी, साथ ही आपकी जानकारी में ये भी होगा कि कितना लंबा प्रोसेस ये लगता है, क्योंकि आपने कहा कि फाइल ऊपर जा चुकी है, फाइल जो है ऊपर से आपको कहा गया है कि जल्द ही हो जाएगा, तो कितना लंबा प्रोसेस ये होता है ये भी आपकी जानकारी में होगा? मैम ये ऐसे ऐसे हम तो पूछते ही रहते हैं, वो ये कहते रहते हैं भाई मिल जाएगा, लेकिन मैं ये शोर से कहती हूँ बस खिलाड़ी का हक कभी नहीं जाएगा, इसको मिलेगा जरूर। और करीब कितने और खिलाड़ी हैं जिनको लंबे समय से उनकी नाम की राशि नहीं मिली है? नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो 6-7 खिलाड़ी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट का मुझे नहीं पता कितने खिलाड़ी। आपके डिस्ट्रिक्ट में 6-7 खिलाड़ी हैं जो 3-4 साल से जिनको इनाम की राशि नहीं मिली है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया सुकन्या जी जुड़ने के लिए खबर अभी तक के साथ में। तो आपको बता दें कि करीब 6-7 खिलाड़ी और हैं सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर खिलाड़ी जो है 3-4 साल से परेशान है, इनाम की राशि नहीं मिली है। प्रिया उनमें से एक है, लेकिन साथ ही प्रिया की ओर से आवाज उठाई गई। अब वीरेंद्र पठानिया हमारे संवाददाता भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, खेला अधिकारी ने कहा है कि फाइल जा चुकी है और साथ ही जल्द ही प्रिया को उनकी इनाम की राशि जो है मिल जाएगी। जी जी, और इन तक मैं आपको बता दूं कि ये जो खेल अधिकारी हैं ये भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे 4 महीने यहाँ पर रेवाड़ी में आए हुए 4 महीने हो गए, लेकिन 4 महीने होने के बावजूद भी ये अधिकारी कहीं ना कहीं आंखें मूंदे बैठी है। और इसका परिणाम है कि प्रिया जैसी नेशनल लेवल की खिलाड़ी अपनी इनामी राशि को तरस रही है। जी प्रिया जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र पठानिया जुड़ने के लिए खबर और साथ ही तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब हालांकि खेल अधिकारी की ओर से आश्वासन जरूर दिया गया है कि जल्द ही प्रिया को उसके इनाम की राशि मिलेगी और साथ ही बाकी खिलाड़ियों को भी उनके इनाम की राशि दी जाएगी। और 2015 में प्रिया से ये वादा किया गया था, इनाम की राशि 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक भी उनको वो इनाम की राशि नहीं दी गई है।